सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपके लिए एक अच्छा से अच्छा स्मार्टफोन लाया हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, जो भी स्मार्टफोन पसंद आए कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 लाइट, जो कि 5G है। दोस्तों, इस फोन में आपको 6.4 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको पता ही है, इसमें आप गेमिंग आराम से कर सकते हैं। और कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सेल्फी कैमरा के साथ साथ इसमें फ्रंट में भी आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। और दोस्तों, सेल्फी कैमरा से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल देखने को मिल सकती है। और बैटरी की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, और साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इस फोन का प्राइस है 14,999। दोस्तों, प्राइस के हिसाब से ये फोन काफी शानदार है, और ये फोन जनवरी में ही लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की। तो दूसरा स्मार्टफोन है रेडमी नोट 12। दोस्तों, इस फोन में भी आपको 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, ये तो अच्छी चीज है। दोस्तों, इस फोन में आपको Dimensity 820 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G है। और कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलेगा, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, दोनों ही कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल देखने को मिल सकती है। बैटरी की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 5100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि कितने वाट का फास्ट चार्जिंग है। दोस्तों, इस फोन का प्राइस होने वाला 13,990। दोस्तों, इस फोन में भी आप गेमिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर अच्छा है। अब लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि कैसा है चलने में। दोस्तों, ये फोन भी जनवरी में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, यानी मेड इन इंडिया की तरफ। दोस्तों, तीसरा स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 प्रो। दोस्तों, इस फोन में आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो G90 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं। और कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको भर के कैमरा दिया गया है। इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिलता है, और साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों, दोनों ही कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों, इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फोन का प्राइस थोड़ा कम है और बाकी फोन के मुकाबले। दोस्तों, इस फोन का प्राइस है 12,990। दोस्तों, इस फोन में भी आप गेमिंग आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, चौथा स्मार्टफोन है रेडमी का 9i। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन मुझको बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, इस फोन में आपको 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और दोस्तों, साथ ही में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, दोनों ही कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल देखने को मिलेगी। बैटरी की बात करें तो दोस्तों, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फोन का प्राइस है 11,999, यानी कि 12,000 का है ये फोन। दोस्तों,
स्मार्टफोन बहुत ही खूबसूरत है और इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है और 90 हर्ट्ज भी देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट स्मार्टफोन की। तो दोस्तों लास्ट स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करें तो दोस्तों डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और सेल्फी कैमरा के साथ आपको डुअल फ्लैश भी देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों ही कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन का प्राइस होने वाला है लगभग 10,599। दोस्तों प्राइस के हिसाब से ये फोन काफी शानदार है। आपको कौन सा फोन पसंद आया कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।